गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आज धर्मनगरी पिहोवा में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन की अगुवाई गुरु के पंज प्यारों ने की। नगर कीर्तन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर जहां नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई, वहीं गुरु बानी वे बोले सो निहाल सत श्री अकाल की जयकारों से धर्मनगरी पिहोवा गूंज उठी। नगर कीर्तन में फूलों से सजी गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। पालकी के पीछे भारी संख्या में महिलाएं झाड़ू लगाकर सेवा कर रही थी। वहीं गतका खेलने वालों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबका मनोरंजन किया। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य संत बाबा महिंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से नगर कीर्तन गुरुद्वारा बावली साहिब से शुरू होते हुए नगर के गुरुद्वारा रोड, मेन बाजार, सरस्वती चौक, गुला रोड, मुल्तानी कॉलोनी, मॉडल टाउन, अम्बाला रोड, मेन चौक, कैथर रोड सहित अनेक स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा बावली साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे। वहीं धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने चाय, ब्रेड, बिस्कुट सहित अनेक चीजों के भंडारे लगाए। नगर कीर्तन में रागी डाडी जत्थों ने अपने शब्दों से संगत को निहाल कर दिया। बता दें कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पिछले 2 वर्ष से गुरुद्वारा बावली साहिब द्वारा नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। अब की बार लॉकडाउन खुलने से पिछली बार की अपेक्षा इस बार नगर कीर्तन में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ खचाखच भरी दिखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने से किसानों के चेहरे खिलते दिखे और भारी संख्या में किसान भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। खबर हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।